हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज के ब्लॉग की शुरुआत से सुबह के 8:30 बजे। मेरा नाम विवेक, मैं इंडिया से और अभी इटली में स्टडीज़ कर रहा हूँ। फिलहाल अभी की बात करूँ, मैं नहा धोकर बिल्कुल रेडी हो गया हूँ और जाना स्टडीज़ करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टडीज़ करनी है और परसों मेरा एग्ज़ाम है। तो अभी मेरे को आज पूरा स्टडीज़ करनी है और कल जितना भी पूरा है, दो मॉड्यूल्स हैं, एक मॉड्यूल में 15 चैप्टर्स है और दूसरे मॉड्यूल में 5 चैप्टर, मतलब 20 चैप्टर्स, जिसमें से एक बुक है, तो वो पूरा रिवाइज़ करना होगा जो भी मैंने स्टडीज़ करी है। तो ये इतना सारा करना है और यही कारण है कि आज मैं एयरपोर्ट नहीं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए और डिनर के लिए। आई डोंट नो, हो सकता है शाम में अगर सब कुछ सही रहा तो, अगर सब कुछ मतलब टाइम से पहले अगर मेरा कवर हो गया तो जाऊँगा, अदरवाइज देखते हैं, एक दिन बिना खाए रहेंगे या कुछ भी उठा के खा लेंगे। तो थोड़ा सा स्ट्रगल है एग्ज़ाम टाइम में और ये स्ट्रगल मैं कर रहा हूँ, मेरे बाकी फ्रेंड इतना स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे रीज़न मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये जो एग्ज़ाम्स मैं दे रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों के साथ में ही दे रहा हूँ, क्योंकि वीज़ा मेरा लेट आया था और लेट आने की वजह से क्या हुआ था ना कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया था। तो स्पेशल अप्रूवल था एम्बेसी की तरफ से, रिक्वेस्ट किया था यूनिवर्सिटी को, तो स्पेशल अप्रूवल मिला हुआ है। तो मैं साथ साथ में दोनों एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ। तो मेरे सारे फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम देकर फ्री हो गए हैं और अभी मैं अटका हूँ सेकंड सेमेस्टर का। और मज़े की बात यह है कि मैंने क्लास भी अटेंड नहीं करी है फर्स्ट सेमेस्टर की, और जो भी एजुकेशन है, सॉरी जो भी नॉलेज है, वो खुद का नॉलेज मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। लाइक बुक खुद से पढ़ रहा हूँ, स्टडी मटेरियल खुद से पढ़ रहा हूँ, खुद से पढ़ के एग्ज़ाम दे रहा हूँ। इसे थोड़ा सा टफ हो रहा है बट मुझे लग रहा है मैं कर लूँगा। जब सारे कर लिए, सिर्फ दो बचे हुए हैं, सिर्फ दो सब्जेक्ट बचे हुए हैं, बाकी सारे कर लिए और सब में अच्छे अच्छे नंबर्स आए हैं। लाइक किसी में भी मेरा 82% से कम नहीं है। सबसे लोवेस्ट जो मार्क मेरा 82% आया, बाकी तीन में 100% आया है, बाकी में 94, 92 ऐसे ऐसे करके आए हुए हैं। तो बाकी का एग्जैक्ट नहीं आता, बट हाँ 82 point something सबसे लोएस्ट मेरा है अब तक का। और होप ये दोनों भी सब्जेक्ट भी अच्छा ही निकल जाए मेरा। तो फिलहाल चलिए थोड़ा स्टडी करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। फ्रेंड्स, अभी मैं अपना ये कोरियर लेने आया हूँ, क्योंकि ये जो होटल का एड्रेस है ना, वो थोड़ा पीछे साइड से ब्लॉक है, तो फ्रंट वाला इन लोगों को पता नहीं था, तो ये यहाँ आके रुके हैं DHL वाले। सो आई डोंट नो कहाँ के कॉल आया था। सबसे गंदी बात ये है ना कि इनको इंग्लिश नहीं आती, मुझे इटालियन नहीं आती, तो मुझे किसी न किसी को खोजना पड़ता है जो कॉल पर रिस्पॉन्स कर सके। तो हमारे जो क्लीनिंग ऑफिसर है ना हमारे होटल के, आना, मैंने उनको कॉल दिया तो वो बात करके उन्होंने बताया। तो वैन तो दिख रही है मुझे बट यहाँ कोई है नहीं। फ्रेंड्स, देखिए हम लोग के होटल का जो कैंपस है ना, यहाँ ये ख़त्म होता है, उसके बाद फिर रोड है, उसके बाद फिर से पहाड़ स्टार्ट हो जाता है। मतलब सिर्फ एक रोड का गैप है पहाड़ और इसमें, और इस पहाड़ के ऊपर मैं कई बार गया हूँ, बहुत खूबसूरत लगता है और ऊपर से नज़ारा बहुत अच्छा आता है, समुंदर दिखता है, शिप्स दिखती हैं, क्रूज़ दिखती हैं और लगभग लगभग आधा शहर दिख जाता है। सो गाइस, ये आ गए हैं लोग DHL के। हाय, यप, एक्चुअली द एड्रेस इज देयर। No, actually that is back door. This, you know, this building, the entrance is from this side. There is a two entrance. Okay. Noi quando venimo hotel reception. Yeah, okay. No, the reception is this way. Reception is here. Open the reception. Yeah. Oh. Yeah. L'erba. Actually abandoned. Yeah. Actually there are two entrances, na? Main reception is this way. The second. Yeah, okay. Okay. No worries, it's not too far. This here. This is for you. Are you Vivek? Vivek Kumar Singh. Fantastico. Telephone. Magico. Yeah. Actually, I'm non-pilot, yeah, so I'm new here, so struggling. I'm just learning. Maybe in next 2 years, no 2 months, I will. No funny. Is correct? Yeah. That's okay. Yeah. Signature in the white space, and touch the green space for sign. Okay. Thank you. Bye. तो गाइस, ये रहा मेरा पार्सल, मिल गया फाइनली। चलिए चलते हैं, ये मैं शॉर्टकट लेके आया, बस यहाँ से क्रॉस कर लूँगा उस साइड हो जाऊँगा, अदरवाइज़ मुझे घूम के उधर जाना पड़ेगा लगभग 1 किलोमीटर कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, 500-600 मीटर का ऐसे जाना घूम कर। और ये देखिए, बस ये क्रॉस कर लिया मैं। सेम इसी रोड पर आने के लिए 400-500 मीटर घूम के आना पड़ता, वो जाता है ऐसे घूम के पूरा ऐसे, फिर वहाँ आकर ये मिलता है।
फ्रेंड्स, अभी मुझे याद आया कि काफ़ी टाइम से मेरे पास ये कॉर्नफ्लेक्स पड़ा हुआ है, तो मेरे पास मिल्क भी है फ्रीज में पड़ा हुआ काफ़ी दिन से, क्योंकि मैं कॉफ़ी पी नहीं रहा हूँ। तो चलते हैं, मिल्क में इसे प्रिपेयर करते हैं, इसे खा लेंगे, पेट भी भर जाएगा और मेरा समय भी बच जाएगा एयरपोर्ट जाने वाला। तो चलिए चलते हैं किचन में, फटाफट खा पी कर आते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैंने डाल दिया इसमें दूध और ये गर्म हो रहा है, और ये रहा ज़ुकेरो यानी शुगर, यहाँ ज़ुकेरो बोलते हैं, और ये रहा मेरा फ्लेक्स। चलिए थोड़ा गर्म हो जाएगा, उबल जाएगा, उसके बाद इसको खाएंगे। Get the weather. It's my room. This one. फ्रेंड्स, ये रेडी हो गया मेरा, और इसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं सिरप, टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा और थोड़ा स्वीटनेस भी बढ़ जाएगा इसका। सही है फ्रेंड्स, चलिए अब अनबॉक्स करते हैं ये अपना बॉक्स जो आज मुझे मिला है। चेक करते हैं इसे। ये सारा पेपर पेपर पेपर, और इसमें से निकला एक छोटा सा बॉक्स, दिख रहा है ये बॉक्स देखिए, और ये बॉक्स कितना छोटा सा चीज़ है और इतना बड़ा बॉक्स दिया है इन्होंने। ये है मेरा स्टैंड, मेरे लाइक कैमरे का, ये जॉबी का। एक्चुअली ये जॉबी का जो गोरिल्ला पॉड होता है ना, सबसे बेस्ट माना जाता है, तो मैंने इसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया था। ये 6,500 का था सिर्फ ये गोरिल्ला पॉड, हालांकि इसमें ये ऊपर वाला नहीं है, इसमें इधर है लगा हुआ है, इधर भी है और एक कैमरे में लगा हुआ है मेरे पास। ये मेरा चौथा है, तो एक्चुअली सबसे बेस्ट होता है, बट आई डोंट नो मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि बाकी लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, कि ये यहाँ से जॉइंट होता है ना, ये जॉइंट क्रैक हो जा रहा है, और ये यहाँ से ऐसे कहीं ना कहीं से ये क्रैक हो जा रहा है, और क्रैक होने के बाद फिर ये लूज़ हो जा रहा है। तो ये वारंटी में था, तो मैं काफ़ी टाइम से इसे रिप्लेस कर रहा हूँ, नया आ रहा है, रिप्लेस कर रहा हूँ, नया आ रहा है, बट फिर से वही प्रॉब्लम हो जा रहा है। बट ये देखते हैं इस बार का कैसा रहता है। ये टेढ़ा बड़ा थोड़ा लग रहा है, इसको देख कर लग रहा है कि इन्होंने टेस्ट वेस्ट करके भेजा है, क्योंकि इन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा था, बोला था कि 10 दिन हम थोड़ा टेस्ट वेस्ट करेंगे उसके बाद फिर भेजेंगे। मैं बोला ठीक है यार, प्रॉब्लम नहीं है, आप बस सही चीज़ें होनी चाहिए। तो हर बार तो इसके ऊपर वाला जो हेड होता है ना, ये गोला वाला हेड भी भेजते हैं, बट इस बार नहीं है मेरे पास। एक बार मैं कंफर्म करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि बॉक्स ओपन करके बीच में किसी ने खेला कर गया हो कोई, देखते हैं। फिलहाल ये अभी तो सही लग रहा है ये। फ्रेंड्स, अभी मैं आ गया स्टडी रूम में, चलिए स्टडी करते हैं। और ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जिस हिसाब से इसको प्रिपेयर करा गया ना, बहुत सही है, और पूरा वाइट वाइट है, लाइक टेबल भी वाइट है, चेयर भी वाइट है, एकदम शांति महसूस होती है, और आज मैंने वाइट भी पहना हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पढ़ूंगा, और सबसे अच्छी बात ये लगती है जब मैं बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ पढ़ते पढ़ते ना, तो ये काउच पे मैं जाकर आराम से रेस्ट भी कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत बाहर घूम भी लेते हैं, तो ये सही चीज़ हो जाती है। फिलहाल चलिए फोकस करते हैं स्टडी पर। फ्रेंड्स, अभी रात के बज रहे हैं 1:30, और अभी मुझे नींद आने लग गई है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि चलते हैं थोड़ा बाहर वॉक करते हैं, उसके बाद चलेंगे ऊपर रूम में, रूम में बैठ कर स्टडी करेंगे, क्योंकि जब वॉक कर लेंगे ना तो थोड़ा सा नींद खुल जाएगी, क्योंकि अभी भी मुझे 3 चैप्टर ख़त्म करने, क्योंकि जो 11th और 12th चैप्टर थे ना, वो काफ़ी बड़े थे, उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट थे, कई सारे डेफिनेशंस थे जो देखने थे, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग गया मेरा। हालाँकि आखिरी के चैप्टर्स जो है ना, आखिरी के 14th और 15th चैप्टर छोटे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, और वो पहले के चैप्टर से रिलेटेड हैं, तो वो कोरिलेशन है, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। फ्रेंड्स, अभी स्टडी करते करते रात के बज रहे हैं 3:30, और अभी मुझे बहुत ही नींद आ रही है, तो चलिए अब सो जाते हैं और इस ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।